हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICR रिजर्वेशन पॉलिसी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपको ICR के क्या रिजर्वेशन है, क्या स्टेट कोटा, क्या कोटा आपका OBC में क्या है, SC में, ST में, UPS कैटेगरी, PWD कैटेगरी, मतलब कि रिजर्वेशन के कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको बिल्कुल डिटेल पता हो जाएगा क्या ICR ने बता रखा है, कितना रिजर्वेशन किसको मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो कि हाँ, इस वीडियो यही थंबनेल था वीडियो का कि रिजर्वेशन पॉलिसी। और तुमने देखा कि जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें OBC और EWS के लिए कोई सीट्स ही नहीं है, बहुत एक या दो सीट्स हैं किसी किसी यूनिवर्सिटी में। बट OBC के लिए और EWS के रिजर्वेशन कहाँ एग्जिस्ट करता है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसको जाके ज्वाइन करो, क्योंकि इसको ज्वाइन करोगे तो आपको और भी काउंसलिंग से रिलेटेड फर्दर प्रोसेसेस के बारे में क्या आपको करना है और जो भी कोई अपडेट होगा तो इस पर पता लगेगा। जो भी मेरा वीडियो का PDF होता है वो इसी टेलीग्राम चैनल पर जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको रिजर्वेशन का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। दो चीज़ आपके दिमाग में रखनी है आपको कि एक होता है रिजर्व, एक होता है अनरिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या है, अनरिजर्व का मतलब क्या? देखो, अनरिजर्व का मतलब ये नहीं कि जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व का मतलब ये नहीं कि जनरल कैटेगरी। अनरिजर्व को हम बोलते हैं ओपन कैटेगरी, दूसरा नाम होता है ओपन कैटेगरी, जिसके लिए कोई भी एलिजिबल है, कोई भी एलिजिबल है। अगर कोई भी अनरिजर्व सीट है तो उसको OBC वाला भी ले सकता है, SC वाला भी ले सकता है, ST वाला भी ले सकता है, कोई भी कैंडिडेट ले सकता है। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, भैया SC और ST का सीट्स है, ST का माना एक बंदे ही कंप्लीट नहीं हुए, कम बंदे बैठे और कॉलेज में सीट रहेगी, तो वो SC की सीट्स को कौन लेगा, ST की सीट्स को कौन लेगा? क्या सीट्स के बीच में इंटरचेंज होता है, मीन्स SC ने नहीं लिया तो ST का लेगा या नहीं? उसके बाद में कोई भी PWD कैंडिडेट है तो उसको कितना डिसेबिलिटी होना चाहिए जिससे कि उसका PWD के उसको वेरीफाई माना जाए? देन एक क्वेश्चन आपके आएगा कि जो जनरल में EWS कैटेगरी वाले हैं, अगर उसका भी बंदे कम पड़ जाए, उसके अगर रिजर्वेशन है जगह पर, तो फिर क्या होगा? वो क्या OBC वालों को दे दी जाएगा सीट, या किसके लिए वो सीट दिया जाएगा? सो इन सब का आपका बिल्कुल जो कन्फ्यूज़न है आपको, वो सब दूर कर दिया जाएगा इस वीडियो में। सो चलो मेरी फ़ोन की डिस्प्ले पे चलते हैं और देखते हैं वन बाय वन। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि इसमें मेहनत बना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा कि आपको किसी को कुछ भी डाउट ना रहे रिजर्वेशन से रिलेटेड कि क्या रिजर्वेशन है। देखो, SC और ST OBC कैटेगरी सबके लिए, पहले हम बात को बता दें, शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, और एक होता है शेड्यूल ट्राइब, तो उसको बोलते हैं ST। तो जो SC कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 15% रिजर्वेशन होता है, और ST कैटेगरी के लिए 7.5% रिजर्वेशन, जो भी आपके। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि SC और ST कैटेगरीज के जो सीट्स हैं वो आपकी इंटरचेंजेबल हो जाती हैं। कैसे इंटरचेंजेबल होंगी? माना कि किसी भी कॉलेज में SC की सीट्स हैं 20, और स्टूडेंट उसमें अप्लाई किया 10 स्टूडेंट ने, तो यहाँ 10 जो सीट्स है वो तो फिल हो जाएगा, बचा 10 सीट, तो 10 सीट को कौन लेगा? इन सीट को आप OBC वाला नहीं ले सकते, इन सीट्स को फिर अप्लाई करेगा ST वाले के लिए सीट्स जाएंगी। तो समझ आया आपको, SC और ST का सीट होता है इंटरचेंजेबल, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। देन देखिए ये लिखा हुआ है, द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये लिखा हुआ है इंटरचेंजेबल इफ द सफिशियंट नंबर ऑफ कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल टू फिल द सीट्स रिजर्व फॉर ST कैंडिडेट, दिस कैन बी फिल्ड अप फ्रॉम अमॉन्ग द SC कैंडिडेट वाइस वर्सा। समझ आया आपको, पहला इसमें यही बताया है कि SC कैटेगरी वालों के लिए आपका 15% रिजर्वेशन है, ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन है, उसके बाद में SC और ST का सीट आपस में इंटरचेंजेबल हो जाएगा। देन सेकेंड चीज़ देखिए, रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी, OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर, जो OBC NCL के हैं, वुड बी अवेलेबल। आपका अब देखिए कि OBC कैटेगरी वालों के लिए सीट्स कहाँ हैं, आपकी जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें EWS और OBC के लिए सीट्स ही नहीं है, तो उसका सीट्स कहाँ वो करता है? पहले तो तीन जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहला है आपका RPCAU डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरी रानी लक्ष्मीबाई वाली जो झांसी यूनिवर्सिटी, देन आपका तीसरा है इम्फाल यूनिवर्सिटी। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में आपका रिजर्वेशन, इनके अलावा साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद हैविंग एग्रीकल्चर फैकल्टी, तो देखिए कौन कौन सी, BHU, विश्वा भारती, नागालैंड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, IRI, NDRI,
ये जो अभी लेटेस्ट जो अपडेट के अकॉर्डिंग ये इनमें आपका ओबीसी का जो ओबीसी एनसीएल उनका रिजर्वेशन फॉल करता है। देन देखिए ये आपको समझ आया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा बताया हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है। सीधा देखिए रिजर्वेशन सीट फॉर ईडब्ल्यूएस सेल, देखिए द प्रोविजन सेल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशन सेंट्रल सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नॉट टू सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इफ एनी आईसीआर सिस्टम। इसमें कहने का मतलब है कि जो आपको रिजर्वेशन है वो केवल सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में ही है, कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो मैंने आपको पहले बोला था। और दूसरा क्या बात बोला है उन्होंने कि अगर आपका कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस है और आपका जो भी सीट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में दिया हुआ है अगर वो बच जाता है तो उनको कौन लेगा? भाई उसको ओबीसी वाला नहीं लेगा, उसको आपको उनको अनरिजर्व कैटेगरी में फॉल कर दिया जाएगा। अगर जनरल ईडब्ल्यूएस में कोई सीट बचता है तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी और डी रिजर्व कैटेगरी, तीनों को एक ही नाम है, देखिए तीनों एक ही है, अनरिजर्व और डी रिजर्व, देन आपका तीसरा है ओपन कैटेगरी। तो देखिए तीनों में तीनों इनका मतलब क्या, पहले ये समझिए, अनरिजर्व डी रिजर्व ओपन कैटेगरी ये तीनों ऐसा कैटेगरी हैं, मीन्स एक ऐसी कैटेगरी इसके लिए इस कैटेगरी का सीट्स अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में है, मतलब सब में होता है, जिनको बोलते हैं कि जनरल सीट्स, तो वो जनरल कैटेगरी वाले के लिए नहीं, उनको कोई भी ले सकता है। आप ओबीसी वाले भी ले सकते हो, एससी वाले भी ले सकते हो, एसटी वाले भी ले सकते हो, सब उनको ले सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अनरिजर्व सीट्स क्या होता है, क्योंकि वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, उनको कोई भी ले सकता है। तो इसलिए जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सीट्स नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है स्टेट यूनिवर्सिटी, तो आपको चिंता का ज़रूरत नहीं है। आपका अच्छा रैंक है तो आपको रिजर्व जो अनरिजर्व सीट्स हैं उनमें आपको एडमिशन मिल जाएगी, क्योंकि अनरिजर्व सीट्स हर एक यूनिवर्सिटी में हैं। देन देखिए नेक्स्ट जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 40% एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, और उसका जो 40% डिसेबिलिटी है तभी आपको एडमिशन मिलेगा, वरना जो यूनिवर्सिटी है आपको डिसएग्री कर देगी। देन उसके बाद में आती है आपकी यूपीएस कैटेगरी, यूपीएस कैटेगरी बोलते हैं अंडर प्रिविलेज्ड स्टेटस, यानी यूपीएस कैटेगरी। अब यूपीएस कैटेगरी के लिए आपका सीधा सीधा 2% सीट्स आपकी ईच डिसिप्लिन में रिजर्व होती हैं। जो भी यूपीएस कैटेगरी के अंदर जो एससी आता है एसटी आता है उन सब के लिए आपका 2% सीट रिजर्व हैं। अब कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो इसके अंदर आती हैं और यूपीएस स्टेट्स बोलते किनको हैं? देखिए यूपीएस स्टेट के अंदर आती है आपकी अंडमान निकोबार, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और लद्दाख। इस सब का लिस्ट भी मैंने आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या लिया हुआ है, किनको यूपीएस कैटेगरी, बेहर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन एग्रीकल्चर एंड अलाइंग साइंसेज आइदर डू नॉट एग्जिस्ट और हैव नॉट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। इसका कहने का मतलब है वहाँ एग्रीकल्चर की फैसिलिटी नहीं है या ना ही कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है। अब जैसे कि आप बोलोगे भैया वहाँ पे जो मणिपुर है, मणिपुर में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल है, बट वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, वो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। हु क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, यूपीएस कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, देयर विल बी नो एनी स्टेट कोटा। अब उसके बाद में आप पूछते हो भैया मेरा आर्मी कोटा, माई फादर इन आर्मी, कुछ भी आपके पास, तो भाई एक बात बस एक ध्यान रखिए एट द लास्ट की आईसीआर के अंदर कोई भी कोटा एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही स्टेट कोटा, आर्मी कोटा और जो भी टाइप के कोटा होते हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है। सो आपको जो अभी तक मैंने वीडियो में बताया वो आपको समझ आया होगा कि क्या रिजर्वेशन है, सब कुछ मैंने आपको बताया, एससी एसटी के लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, ओबीसी और एससी जो वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं उनके लिए सीट्स अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्व होती हैं, और पीडब्ल्यूडी के लिए बताया, यूपीएस के लिए बताया। अभी भी आपको कुछ भी डाउट हो रिजर्वेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज काउंसलिंग करानी है तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब।